काजल फ्रॉम एमएनएस न्यूज लाइव। करंट लगने से मजदूर की मौत। समृद्धि महामार्ग में बाधा निर्माण करने वाले बिजली पोल को हटाते समय ठेकेदारी पर काम करने वाले बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। यह घटना बुधवार शाम के समय घटी। मृतक गोंदिया जिले के ब्राह्मणी खड़का निवासी तेजराम फुलचंद पदोड़े बताया जा रहा है। 8 जगह ईडी की रेड। वरुण एल्यूमिनियम वरुण ऑटो पर छापेमारी। फर्जी टेलर ऑफ क्रेडिट देकर बैंक को 300 करोड़ का चूना लगाने वाले समूह वरुण एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी ने गुरुवार को कार्रवाई की। नागपुर की बुट्टी बोरी सहित राज्य में कुल 8 स्थानों पर रेड की गई। सूत्रों ने बताया कि पुणे में 4, सांगली और रत्नागिरी में 2 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। नागपुर कार्यालय अधिकारी ने कुछ 3 स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात तक कार्रवाई जारी थी। HB1 वीजा भारत को झटका। अमेरिका ने भारत से कहा कि वो HB1 वीजा की संख्या सीमित करने के लिए विचार कर रही है। यह नियम उन देशों पर लागू किया जाएगा जो विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ डेटा जमा करने के लिए बाध्य करती है। H1B की संख्या को सीमित करने के लिए विचार किया जा रहा है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।